दुनिया है, उसके बदले से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा जा रहा है? अरे अरे, अरे मौसी, मैं नहीं डरता ऐसे जादू टोनों से, अभी कूड़े के ढेर में फेंक के आता हूं। जी चौधरी प्रभाकर साहब हैं? जी वो तो नहीं है, मगर आप कौन? जी मैं गुवाहाटी से आया हूँ। प्रभाकर साहब मेरे पापा के दोस्त हैं, भूल गई ना दादी माँ? अरे आप दिवाली पर गुवाहाटी में हमारे घर पर आए थे चौधरी साहब के साथ। अरे मैं दयाराम जी का बेटा हूँ दादी माँ, बीरेन। सनातन, मैं आपकी बेटी के लिए परेशान हूँ। पिछले एक साल से उसके हाथ पीले करने की सोच रहा हूँ। मैंने कई जगह बात भी चलाई है, लेकिन पता नहीं क्यों बात बनते बनते बिगड़ जाती। देवू ने बताया था कि कंता कुछ जादू टोना जानता है। कंता ने मुझे बताया कि मेरे घर में किसी बांझ औरत ने कुछ किया हुआ है। जब तक उस जादू का असर मेरे घर से नहीं जाएगा, ना तो मेरी बेटी की शादी होगी और ना ही मेरा काम धंधा ठीक ढंग से चल पाएगा। कैसा नर्स बाबा, एक वर्ष तक तेरी पुत्री की संगत में कोई युवक नहीं आना चाहिए, अन्यथा विनाश विनाश देख रहा हूं मैं, अनर्थ हो जाएगा। नहीं आएगा बाबा, नहीं आएगा। नातन, जब से बाबा ने कहा है अन्नू की जिंदगी में एक साल तक कोई लड़का नहीं आना चाहिए, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। ओ यार तू घबरा मत, भगवान सब ठीक करेगा। कैसे नहीं घबराऊं यार, जवान बेटी का बाप हूं। तू एक काम कर, मेरे साथ चल, आज तेरी सारी घबराहट दूर कर देता हूँ। कहाँ? ओए तू चल तो सही, आ तो सही। अभी तेरे को घबराहट है? अरे क्या की घबराहट यार, तू बिल्कुल चिंता मत करना, बाबा है ना, बाबा सब ठीक करेगा। ठीक, अभी तू चिंता नहीं कर, घर पे जा, आराम से सो जा। ओके ठीक है सनातन, अपना ध्यान रखना। सनातन लेकिन संभाल के जाना। ठीक, निर्वासन वो बाबा ने जो कहा है ना, एक एक साल तक दूर रखना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दूर। ओके सनातन, मैं तो तुम तो पागल हो जाओगे। एक वर्ष तक तेरी पुत्री की संगत में कोई युवक नहीं आना चाहिए, अन्यथा विनाश विनाश देख रहा हूं मैं, अनर्थ हो जाएगा। अरे अंकल, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन अगर आप मुझे पहचान जाए तो मान जाऊंगा। बेटे, छोटे चाहे बड़ों को पहचानने से इनकार कर दे, लेकिन बड़े ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तुम बीरू हो ना दयाराम के बेटे? क्या बात है अंकल, आप तो मुझे देखते ही साथ पहचान गए। मैंने सोचा था आप मुझे पहचानेंगे नहीं, क्योंकि जब पिछली बार आपने मुझे देखा था तो मैं बहुत छोटा सा था। अनु, तू यहाँ क्या कर रही? चल जाके मेरे लिए खाना गर्म कर। जी देवता। बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गया कि तुम्हारा अचानक आना कैसे हुआ। और बातों बातों में लीजिए अंकल, मैं भी बताना भूल गया कि आपकी दुआओं से मैं डॉक्टर बन गया हूँ और शहर के हॉस्पिटल में मेरी नौकरी भी लग गई है। लेकिन बेटे, तुम शहर के रहने वाले हो, वहाँ गुवाहाटी में तुम्हारा बहुत बड़ा मकान है, तुम यहाँ हमारे साथ छोटे से मकान में कैसे रह पाओगे? अगर तुम चाहो तो मैं यहीं कहीं तुम्हारे लिए बड़े मकान का इंतजाम कर देता हूँ। अंकल, मुझे रहने के लिए एक बिस्तर और दो वक्त का खाना तो मिल पाएगा ना, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर इस उम्र में मैं दादी माँ की सेवा कर सकूँ तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। मेरा वो मतलब नहीं था बेटे, तुम इतने बरसों बाद हमारे पास आए हो, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो तुम्हारे आराम के लिए कह रहा था, सारा दिन नौकरी करके घर लौटो और फिर अच्छे से दो घड़ी आराम भी ना कर पाओ तो क्या फायदा हुआ। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बीरेन के रहने का इंतजाम कहीं और कर दें? मैं ये नहीं कहता कि बीरेन का चरित्र अच्छा नहीं है, लेकिन घर में जवान बेटी के होते हुए एक जवान लड़के का रहना। बीरेन एक बहुत अच्छे परिवार का एक नेक और शरीफ लड़का है। माँ, वो मैं तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तो इसलिए कह रहा था कि जमाने की बातों का क्या करेंगे। अरे बेटा,
ये जमाने वालों की बातों को भूल जाओ। दुनिया वालों को तो ये भी गवारा नहीं कि हम दोनों माँ बेटा इकट्ठे क्यों रह रहे हैं। माँ, मैंने कहा था ना, कोई भी ऐसा घर जहाँ जवान बेटी हो, अगर कोई जवान लड़का आकर रहे तो लोग बातें बनाना शुरू कर ही देते हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो बेटा? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? किसी ने क्या कहना है? सारा गांव कह रहा है कि मैंने। हाँ हाँ, कहो ना, क्या कह रहा है? यही कि मैंने घर जुआरी पाल लिया। प्रभाकर, इन घटिया लोगों की बातों पर मत जाओ। अरे ये लोग तो अपने सगे बाप के पीठ पीछे बुराई कर देंगे। अरे हिम्मत है तो सामने कहे, मुंह पे बुराई करे। माँ, जो लोग आज पीठ पे कह रहे हैं कल को मुंह पे भी कहेंगे, इसलिए मैं बेहतरी सी में समझता हूँ कि बीरेन को। वॉचमैन, क्या लिखा है बेटा? कुछ खास नहीं माँ, खैरियत का पत्र लिखा है और बीरेन के यहाँ रहने पर खुशी जाहिर की। तुम कह रहे थे ना बीरेन के यहाँ रहने से कुछ समस्या हो रही है, तो उसके रहने का इंतजाम कहीं और? नहीं माँ, बीरेन कहीं नहीं जाएगा। अब इस बात का तो एक ही हल है। क्या? अब तुम लड़के को तो घर से जाने के लिए कह नहीं सकते, क्यों ना अन्नू को ही उसके फूफा के यहाँ भेज दिया जाए। वाह, क्या बात है सनातन, भाई जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। लेकिन यार ये होगा कैसे? होगा प्रभाकर, जरूर होगा। तुम वंदिता को एक चिट्ठी लिखने को कहो कि उसके फूफा की तबीयत ठीक नहीं है, और अन्नू को फूफा की सेवा के लिए भेज दे। तब तक डॉक्टर अपने आप ही घर छोड़कर चला जाएगा। वाह वाह सनातन, क्या बात है यार, वाह वाह वाह। वंदिता। ओ दादा, अचानक आप यहाँ, कहिए कैसे आना हुआ? वंदिता, शंबर कहाँ है? वो तो छपरी पर गए, क्या कोई खास काम है उनसे? नहीं उनसे नहीं, मुझे तुमसे खास बात करनी थी। हाँ बताइए। वंदिता, मेरा एक दोस्त है सनातन। मैं सब समझ गई दादा, मैं कल ही आपके यहाँ पत्र लिखती हूँ और अनु को अपने यहाँ बुला लेती हूँ। वैसे भी अक्सर इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, छपरी पर इनसे अकेले काम भी नहीं होता, और अगर अनु आ जाएगी तो इनको भी सहारा हो जाएगा। हाँ मैं अनु को समझा दूंगा, वो भी शंबर की मदद करने छपरी पर जाया करेगी, तो मैं चलूँ? नहीं दादा, आप इतने दिनों के बाद आए हैं, भला खाना खाए बिना कैसे जा सकते हैं? आप अंदर आके बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे अनु, एक गिलास पानी लाना। जी दादी माँ, ये दवा लो और शरीर के सारे दर्द खत्म। बेटा, अभी तो तुम यहाँ हो तो मेरी दवा दारू कर देते हो, कल को तुम चले जाओगे तो। ये लीजिए दादी माँ, आप सारी की सारी दवाई एक साथ ही निकल लो। अच्छा अच्छा, थोड़ी बहुत डॉक्टर तो मेरे अनु को भी बना देना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद मेरा इलाज तो कर सकेगी। दादी माँ, डॉक्टर तो नहीं बना सकता हूँ, हाँ अगर ये एक छोटा सा कोर्स कर ले तो मैं इसे नर्स जरूर बनवा सकता हूँ। अरे वाह, फिर तो कितना मजा आएगा, हम दोनों साथ में ही काम पे जाया करेंगे। अन्नू, मैंने तुम्हें कहा था ना, विकासा मौसी ने तुम्हें खास काम के लिए बुलाया है, लेकिन तुम अभी तक नहीं गई। लेकिन देवता, पहले पता तो चले कि उन्हें काम क्या है। ये तो तुम वहाँ जाओगी तो पता चलेगा ना, अभी अभी उन्होंने दोबारा संदेश भेजा है। दादी माँ देखिए ना, उन्होंने फिर से सिलाई सीखने के लिए बुलाया होगा। बेटा एक बार उसे मिलकर तो आ जा। ठीक है। बुआ जी का पत्र है, उन्होंने लिखा है कि आजकल फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए घर के काम के लिए
कुछ दिनों के लिए अनु को भेज दो। अंकल वैसे आप जा कैसे रहे हैं? मेरा मतलब था कि अगर आप कहें तो मैं अस्पताल से अपने दोस्त की गाड़ी लाकर आप लोगों को छोड़ाऊं। नहीं बेटे, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, यहां से कई बसें जाती हैं, हम आराम से पहुंच जाएंगे। तैयार नहीं हुआ अभी तक। बेटा वो पूजा कर रहा है, उससे आने में अभी टाइम लगेगा, तू लेट हो रहा है तो निकल जा। नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अगर थोड़ी देर से भी जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कि 9:30 की बस अगर निकल गई तो दूसरी बस पूरा 1 घंटा बाद है। चलो अनु जल्दी करो। पहले तो अनु बनाया करती थी चाय मेरे लिए, फिर सोचा आपको तकलीफ देने की जगह खुद ही चाय बना लो। कैसी बातें करता है, देख बाहर कौन आया है, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती। जी घबराओ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और रही छपरी की बात, तो मैंने अनु को बुलवा लिया आपकी मदद के लिए। अनु को बुलाने की क्या जरूरत थी भाई, अब वो जवान लड़की मेरे साथ जाएगी छपरी पर काम करने के लिए, तुम भी ना बस। क्यों, जिनके बेटे नहीं होते तो उनकी बेटियां क्या उनके काम में हाथ नहीं बटाती हैं? अब जग्गू दादा को ही देख लो, 3-3 बेटियां हैं उनकी, और इस बार तीनों ने मिलकर फसल उगाई है, और दादा एक दिन भी नहीं गए छपरी पर। अरे दादा, लड़कियां तो बड़ी जल्दी जवान हो जाती हैं। देख लो, अब ये वही अनु है जिसका हाथ पकड़ के मैं स्कूल ले जाया करती थी। हाँ ये बताओ, माँ जी का क्या हाल है, घर का काम वाम कर लेती हैं या नहीं? बिल्कुल करती हैं, और फिर मैं भी तो उनकी मदद करती हूँ ना। बुआ जी आपको पता है हमारे घर में ना एक मेहमान आया हुआ है, और नहीं तो मुझे यहाँ अकेला आना पड़ता, देवता मेरे साथ यहाँ नहीं आ सकते थे। मेहमान कौन है वो मेहमान? देवता के दोस्त के बेटे हैं, और यहाँ शहर में डॉक्टर है। डॉक्टर? लेकिन डॉक्टरों को तो अस्पताल की तरफ से घर मिलता है ना, फिर वो आपके यहाँ क्यों रह रहे हैं? वो उन्हें शहर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो हमारे घर रुके हैं। देखो अनु, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इस गांव में कई मनचले लड़के हैं जो लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं या उनसे दोस्ती करते हैं, तुम इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, समझी? बिल्कुल बुआ जी, मैं आप ही के सामने तो बड़ी हुई हूँ, आपको मैं शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। बेटा मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुमको समझाना तो मेरा फर्ज है ना, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मदद के लिए आई हो तो इसका असर तुम्हारी अपनी जिंदगी पर पड़े, ठीक है बेटा? नु बेटे, तू कोर्स करने की बात करती थी ना, 2 कोर्स तो तुझे बंदिता आंटी करवा देंगी, 1 सिलाई और दूसरा कुकिंग। 2 क्यों दादा, मैं तो पूरी 16 कला संपूर्ण बनाऊंगी अपनी बेटी को। बुआ जी वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी देवता कहेंगे कि अनु को तो कुछ नहीं आता। तो क्या हुआ, अरे एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा है कि इंसान सारी जिंदगी विद्यार्थी रहता है। अच्छा बंदिता, ये काम खत्म हो जाए तो मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी। हाँ हाँ जरूर करेंगे, आराम से बातें करेंगे, लेकिन दादा एक बात बताए देती हूँ मैं आपको, अगर आप ये सोचकर आए कि आज या कल में चले जाएंगे तो भूल जाना, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, कम से कम 4-5 दिन तो आपको मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। क्यों अनु? अच्छा बाबा रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे बात विशंबर की बीमारी के बारे में करनी है, तुम ये काम निपटा लो, मैं तब तक उसके पास बैठता हूँ। ठीक है दादा, चलो क्या बनाओ तुम्हारे लिए, क्या खाओगी? गाजर का हलवा। ठीक है।